गुरु प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो आप बड़ा महत्वपूर्ण विषय शुरू किया है। गुरबाणी विच संत साध महापुरख ब्रह्म ज्ञानी आदि शब्द जड़े ने किस दे वास्ते वरते गए ने, किस संदर्भ च ने, क्योंकि अज साड़ी कौम दे विच एक खास कैटेगरी तैयार हो गई है, एक श्रेणी तैयार हो गई है जिहड़ी अपने आप नूं संत कहवा रही है कि सचमुच गुरमत अनुसार प्रवान ने, इन्हां लई इह संत शब्द वरत्या गया। यह समझना बहुत जरूरी है। पहला सतगुरु ने सानूं इहदे पहले हिस्से विच समझाया कि संत शब्द जो एक वचन दे विच आउंदा है, बहुत ही वारी अकाल पुरख वास्ते आउंदा है, परमात्मा वास्ते, वाहिगुरु वास्ते आउंदा है। दूसरे भाग दे विच सतगुरु जी सानू समझा रहे ने कि एक वचन दे विच ही गुरु वास्ते भी आउंदा है। बल्कि जिसले श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी ध्यान ला के पढ़ीए तो सानू ये आप महसूस होएगा कि बहुत ही वारी जिहड़ा है गुरु वास्ते वरत्या गया, गुरु संत है जिहदे बारे गल की गई है, जिहनू संत आख्या गया है। अज दे तिन्ने ही पहले दो प्रमाण जड़े ने पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब के उच्चारण किए हुए ने, जिदे पहले प्रमाण के पंजवें नानक बख्शिश करते हैं सुखमनी बाणी चो है। ये प्रमाण ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुरु ने मैनू ज्ञान रूपी सुरमा दिता है, ज्ञान अंजन गुर दिया। हुण ये सुरमा जिहड़ा इसलिए मैं मन दी अखां च पाया तो फिर की होया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता दा सारे हनेरे दा नाश हो गया। देना गुरु ने एडा अमोलक ज्ञान रूपी सुरमा मैनू दिता है, इहनू मन दी अखां च बस पाउण दे नाल की होया, सारा अज्ञानता दा हनेरा जिहदे विच मैं भटकदा फिरदा सां, अंधेरे च इंसान भटकदा रहिंदा है, राह नहीं लभदा, तो सारा अज्ञानता दा हनेरा जिहड़ा उहदा नाश हो गया। हर एक कृपा ते संत भेटिया, एक गुरु मैनू मिलिया किवें, उस परमात्मा की मेहर दे नाल, हर एक कृपा ते संत भेटिया। हुण उपर लफ़ज़ जिहड़ा गुर वरत्या, थले संत वरत्या, लेकिन गल जिहड़ी है गुरु की हो रही है, इसलिए संत लफ़ज़ जिहड़ा वरत्या गया गुरु वास्ते वरत्या गया। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास, बस गुरु नाल मिल के हुण मेरे मन दे विच चानण ही चानण हो गया, सारा हनेरा जिहड़ा मेरी जिंदगी दा दूर हो गया, एड्डी बख्शिश हुई है मेरे गुरु दी। अगला प्रमाण भी पंचम पातशाह दा उच्चारण किया होया, जिहदे विच सतगुरु जी बख्शिश करदे ने, गुर संत पाया प्रभ त्याया, सगल इच्छा पुन्निया। गुर संत पाया, किहड़ा संत पाया, गुर संत पाया, गुरु संत मिल गया मैनू, प्रभु ते आया, फिर उहदी मेहर दे नाल, उहदी सिक्ख्या दे नाल, उहदे उपदेश नाल, उहदी दसी जीवन जुगत अनुसार मैं उस परमात्मा नूं ते आया, उहदी सिफत सलाह कीती, उहदे गुण गाए, उहदे गुणां दीआं विचारां कीतीआं, सगल इच्छा पुन्नीआं, मेरीआं सारीआं इच्छावां पूरीआं हो गईआं, हुण मेरे मन च कोई तृष्णा नहीं रही, हुण कोई मेरे मन दे विच किंतु परंतु नहीं रहा, ऐन मन चानण हो गया। अगला प्रमाण गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया होया, जिहदे विच चौथे नानक बख्शिश करते समझाते ने, हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल। हर का मार्ग परमात्मा नूं मिलन दा रस्ता किन्ने दस्या, हुण राह तो उन्हूं ही पुछना चाहिए ना जिन्हूं राह पता होवे। राह पता सी मेरे सतगुरु नूं, एक मेरा सतगुरु ही है जिहड़ा जाणदा राह, उस परमात्मा नाल मिलता है। हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुरु संत ने, हुण बड़ा स्पष्ट है, कोई इत्थे मतलब कोई दुबधा वाली शंके वाली गल नहीं, गुर संत बतायो, गुरु संत ने मैनू राह दसदा है, गुर चाल दिखाई हर चाल, गुरु ने वो तरीका दसदा तुरंत दा, उस मार्ग ते चलन दी जाच दसदी है जिहदे नाल परमात्मा नाल मेरा मिलाप हो सके, अकाल पुरख नाल मेरा मिलाप हो सके।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗੁਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਚਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹਰ ਚਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।